हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों से बहुत दिनों के बाद बात कर रही हूँ। मैंने 6 नवंबर से कोई भी वीडियो अपने चैनल पर नहीं डाली है और ना ही आपसे मैंने कोई बात की है। मैं ठीक हूँ पर मैं उदास हूँ, मेरा मन बहुत परेशान है। देखिए, हर परेशानी का कोई कारण होता है और मेरी लाइफ में भी कारण है, जिसे हम बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं, उसे बहुत चाहते हैं और वो हमें छोड़कर चला जाए तो दुख तो बहुत होता है। मेरी दादी हमें छोड़कर चली गई है, वो हम लोगों के बीच में अब नहीं है। 6 नवंबर को हम अपनी माँ जी को देखने के लिए गए थे अपने घर और 10 नवंबर को उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं फ़ोन उठाऊं, अपने चैनल को भी देखूं या किसी और की वीडियो देखूं। मुझे यूट्यूब पर बहुत से चैनल पसंद हैं और बहुत से यूट्यूबरों के चैनल मैं देखती हूं, जिन्हें देखने के बाद ही मैंने अपना चैनल खोला है। और मुझे बहुत मुश्किल से फ़ोन मिला है और मैंने बहुत मेहनत से अपना चैनल खोला है। मुझे चैनल खोलना भी नहीं आता था, मेरे भाई ने ही मेरा चैनल खोला है और मेरी बहुत हेल्प की है। मैंने कुछ सोचा था, मेरा कुछ सपना था, लेकिन मेरी माँ जी के साथ ही मेरा सपना टूट सा गया है। देखिए, मेरी माँ जी की एज काफ़ी थी, 90-91 साल की उम्र होकर उनकी डेथ हुई है, लेकिन हमारा रिश्ता उनसे बहुत ही जुड़ा हुआ था। क्योंकि हर कोई इस दुनिया में आने के बाद जाता है, ये बात तो सभी जानते हैं, क्योंकि कोई रोने भी नहीं देता। सब बोलते हैं बुढ़िया थी, अपनी पूरी उम्र करके मरी है, क्यों रो रही है, क्यों ऐसा कर रही है, सब जाते हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। हमारा हर रिश्ता हमारी माँ जी से शुरू होकर हमारी माँ जी पर ही ख़त्म हो गया, क्योंकि हम कहीं भी नहीं जाते थे। बुआ के, मौसी के, मामा के, हम कभी किसी भी रिलेटिव के यहाँ कभी नहीं गए, और गए तो 1 दिन 2 दिन के लिए गए। हम हमेशा हमारी माँ जी के साथ ही रहते थे। हमारी माँ जी अगर गांव में किसी के घर चली जाती थी तो हम अपने माँ जी के पीछे पीछे पूछते पूछते वहीं चले जाते थे। वे हमें डांटती भी थी, मारती भी थी, लेकिन कुछ उनसे जुड़ा हुआ ऐसा था कि वो हमारी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे हर टाइम मेरी माँ जी याद आती है। मैं वीडियो नहीं बना पाती, मेरे जो सब्सक्राइबर बने थे, थोड़े से ही सब्सक्राइबर थे, उन्होंने भी मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया है। प्लीज़ आप ऐसा मत करो, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत करो। देखिए, कोई भी किसी के साथ जाता नहीं है। मैं भी हूँ, खाती भी हूँ, पीती भी हूँ, घर का काम भी करती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेरी माँ जी बहुत याद आती है। उन्हें भूलने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। नहीं भूली जाएंगी वो मुझसे। मैं जब भी कुछ काम करती हूँ, जब भी उनकी याद आती है तो मैं रोने लगती हूँ। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब ना करें। मेरा एक सपना है कि मैं अपने चैनल पर वीडियो डालूँ, मेरा चैनल भी यूट्यूब पर बने। मैं अपने चैनल पर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो भी सब देखें। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी ये बता कर कि मैं परेशान हूँ या हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ है, पर मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने आज आपको बताया है। मेरी माँ जी 10 नवंबर को इस दुनिया में नहीं रही, 18 नवंबर को उनकी अरेस्टी भी हो गई। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और नॉर्मल ही है, क्योंकि वो अपनी एज पूरी करके गई हैं इस दुनिया से। लेकिन मेरी माँ जी जब तक इस दुनिया में जी, वो
उम्र तो उनकी काफ़ी थी लेकिन वो खुश नहीं थी। वो जब तक जी दर्द में जी। उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। वो सीधा नहीं चल सकती थी, मुड़कर ही चलती थी वो हमेशा। जब से हमने आंखें खोली इस दुनिया में, जब से हम बच्चे थे छोटे थे, हमने अपनी माँ जी को मुड़ते हुए चलते हुए देखा था। और हाँ, मेरी माँ जी सुंदर बहुत थी, क्योंकि अपने लोग सभी अच्छे लगते हैं, जिनको हम रोज़ देखते हैं, जिनके पास हम पलते हैं, जो हमें चाहते हैं, हमारी आंखें उन्हें अच्छी, हमारी आंखों को वो अच्छे लगते हैं, चाहे वो कैसे भी हों, दूसरों को अच्छे लगें या ना लगे। लेकिन मेरी माँ जी वाकई में सुंदर थी। उनका रंग भी बहुत साफ था, शीशे की तरह दमकती थी वो, क्योंकि स्कूल से जब मैं अपनी फ्रेंडों को कभी घर लाती थी और जिन्होंने भी मेरी माँ जी को देखा, सब यही बोलती थी, मंजू तेरी माँ जी बहुत सुंदर है, हमने किसी भी बुढ़िया को इतना सुंदर नहीं देखा। मेरी माँ जी बहुत सुंदर थी, और सुंदर सबके इंसान सुंदर ही होते हैं, जो इस दुनिया में आए हैं वो सुंदर ही हैं, पर अपने अच्छे तो लगते हैं, कोई नहीं चाहता कि अपने छोड़कर चले जाए। खैर, क्या कर सकते हैं, यही जीवन का नियम है, जो इस दुनिया में आता है उसे जाना ही पड़ता है। मेरी माँ जी भी चली गई और वो अब हमें कभी नहीं मिलेंगी। मेरी माँ जी ने भी बहुत दुख देखे हैं, बहुत दुख देखे। वो हमेशा उनके सामने उनकी औलाद चली गई, हमेशा याद करती थी, रोती थी उन्हें याद करके, पर हमें देखकर, हमसे बात करके मुझे उनकी बातें याद आती हैं, उनकी कहानी याद आती हैं। बहुत सारी बात बताती थी, बहुत सारे वादे करती थी हमसे, हमारी सुनती थी। इस दुनिया में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कोई किसी की परेशानी सुने समझे, उनके पास बैठे, लेकिन माँ जी हमारी सब कुछ पूछती थी, सुख दुख अच्छा बुरा। हम अपनी माँ जी से बहुत बहुत देर तक बातें करते थे। हमारी मम्मी हमसे इतनी बात नहीं करती हैं, उन्हें बहुत काम होता है, लेकिन माँ जी हमसे अच्छे से बात करती थी। हमारी मम्मी भी बहुत अच्छी हैं, पर उन्हें बात करने का ज़्यादा शौक नहीं है। माँ जी हमसे बहुत बात करती थी क्योंकि उन्होंने हमें पाला था, उनकी गोद में ही हम खेले थे। खैर, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सभी से, अपने सब्सक्राइबरों से, प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब ना करें। मैं अपनी वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। बस मैं इसी बात के साथ अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ, तो आप मेरी रिक्वेस्ट को ज़रूर मानना। बाय बाय।